रेकॉर्डिंग चालू आहे. खाली वर धके रखे ना हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे हो, ऐसा सिस्टम क्या है जिससे हमारे जीवन की पद्धति है वह सुंदर हो, उसके लिए जीवन विज्ञान आया. एक एक करके बात करता हूं. प्रेक्षा ध्यान. प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना. मैं आपको सबको देख रहा हूं, भाइयों को देख रहा हूं, बहनों को देख रहा हूं, उपासक जी को देख रहा हूं. देखना ये तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति देखता है. फिर प्रेक्षा ध्यान का अर्थ क्या हुआ? प्रेक्षा का अर्थ ये होता है राग द्वेष मुक्त होकर देखना. गुरुदेव ने रीढ़ की हड्डी मुख्य बात को पकड़ा कि 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाला राग द्वेष है, उससे मुक्त होकर देखें. वो ध्यान की पद्धतियां बनाई गई, सब में एक कॉमन पॉइंट है कि उन पद्धतियों के अंदर राग द्वेष मुक्त होता है. और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जो राग द्वेष मुक्त होकर देखता है, आगमों से निकाला, राग द्वेष होकर जो देखता है उसके कर्मों का बंधन नहीं होता. और जितने समय तक वह देखता जाता है, करता जाता है राग द्वेष मुक्त होकर के, तब तक उसके जो उदय में आए हुए कर्म होते हैं वो भी क्षय हो जाते हैं. भाई और बहनों, आगमों में लिखा गया है, साधु साध्वी चले, पूर्ण अहिंसक है, नवकोटिक त्यागी है, तो उनसे कोई द्रव्य हिंसा हो जाती है, कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, उनके वो हिंसा नहीं लगती. क्यों? कि वो राग द्वेष विजेता तो नहीं कह सकते, राग द्वेष को जीतने वाले साधक है. राग द्वेष नहीं करने का उन्होंने नियम लिया है. तो इस तरीके से जो है उनके कर्मों का बंध नहीं होता. तो भाई और बहनों, मुख्य बात क्या हो गई? राग द्वेष हो गई. इस मुख्य बात को केंद्र में रख करके सारा प्रेक्षा ध्यान बनाया है. इसके एक एक करके 8 जो है ना चरण बनाए, जो कि हमने प्रारंभ से आपको प्रैक्टिकल करके बताया. पहला बताया कायोत्सर्ग. कायोत्सर्ग का मतलब होता है आप राग द्वेष मुक्त होकर के पूरे शरीर को शिथिल करके और इसमें गोते लगाइए कि कहीं अकड़न, कहीं जकड़न, कहीं तनाव, तनाव मुक्त करना शरीर को. जब शरीर तनाव मुक्त नहीं होगा जब तक, तो आप आगे ध्यान में कैसे जाएंगे? आपका ध्यान तो शरीर के तनाव में ही रहेगा. गोड़ा दुख रहा है, सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, बंधुओं उस तनाव को, उस तनाव को भूल करके हमें आगे बढ़ना है. इसीलिए 8 ही क्रम के अंदर पहले कायोत्सर कराया जाता है. जो साधु दीक्षित है उनको भोजन करने के पहले कायोत्सर करना होता है. प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग होता है, गोचरी लेके आते हैं कायोत्सर्ग होता है. वो पता नहीं दिन में साधु साधियां कितनी बार कायोत्सर्ग करते हैं. उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है, कोई भी साधक जब कायोत्सर्ग की मुद्रा में जाता है तो राग द्वेष रहित होता है और सारा तनाव विसर्जन हो जाता है.
तनाव कर्म बंधन का कारण है। और संक्षेप में कहें, जो व्यक्ति तनाव मुक्त है वह उसको संक्षेप में मोक्ष प्राप्त हो गया। आप 15 मिनट के लिए तनाव मुक्त हो तो आपके लिए तो वही मोक्ष की स्थिति है, वही आनंद की स्थिति है। क्योंकि आनंद को बिगाड़ता कौन है? आनंद को बिगाड़ने वाला तनाव है, उसकी जो है वो हमें दूर करने की बात है। अच्छा भाई साहब, आगे ग्रुप आ गया क्या? इनको मजल वाले भाई साहब को, मजल वाले हो ना आप? ग्रुप आने वाला था मजल वालों का। आज मेरे को इन लोगों ने बताया था कि मैं ध्यान कराना है, तो आप बता देना कब कराना क्या है, मुझे बताओगे तो मालूम पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं बात कर रहा था परीक्षा ध्यान की। परीक्षा ध्यान का एक एक चरण थोड़ा बताएंगे, तो प्रैक्टिकल तो हमने करके बताया, लेकिन जब तक किसी चीज का विश्लेषण नहीं हो जाता तब तक वह चीज समझ में नहीं आती है। उसके पीछे कारण क्या है, तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, तो इसीलिए कायोत्सर्ग किया जाता है। दूसरा उसके अंदर हमारा चरण है, वह है अंतर यात्रा। देखिए बंधुओं, आजकल कुंडलिनी जागरण की धूम मची हुई है। अन्य अन्य संप्रदाय वाले कुंडलिनी जागरण के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया पब्लिक से ले रहे हैं, लूट रहे हैं, कुछ भी कहिए, दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो हमें तो एक सहज ही परीक्षा ध्यान के अंदर वह कुंडलिनी जागरण और अंतर यात्रा सेम है। आप लोगों ने, बहुतों ने कुंडलिनी जागरण सुना होगा। हम भी इसी अंतर यात्रा को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, स्कूलों में कुंडलिनी जागरण नाम से करवाते हैं। मैंने बहुत बार करवाया, क्योंकि वहां शब्द वही चलता है उनके कोर्स में, उनके प्रैक्टिकल में, तो वो अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा हमारे शरीर की भीतरी यात्रा है, वो यात्रा हमें हमारे प्रभु तक ले जाती है। अंतर यात्रा में हमारा जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है, उसके नीचे एक पूरा जो है ना, हमारी एनर्जी का और हमारी शक्ति का तालाब भरा पड़ा हुआ है, समुन्दर भरा पड़ा है। उस समुन्दर को, शक्ति को साधारण व्यक्ति या पशु पक्षी उसको भोग में, विलास में, सेक्स में, बच्चे पैदा करने में, आमोद प्रमोद में, नॉर्मल पूरा विश्व नष्ट कर रहा है। लेकिन कुछ वैरागी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और साधक होते हैं, वो उसका उपयोग करते हैं, उस शक्ति को उठा करके, जो ये शास्त्र सार बोला जाता है अष्टांग योग के अंदर, हमारे यहां इसको ज्ञान केंद्र कहते हैं, उसको सारी शक्ति को धीरे 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 उठा करके यहां ले आते हैं और यहां पूरी भर देते हैं। शक्ति का काम है शक्ति देना। तो जो शक्ति भोग विलास में जा रही थी, उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, वो अनासक्त हो जाते हैं और ज्ञान के सागर में डूब जाते हैं। वो ज्ञान अर्जित करते हैं, अनुभव करते हैं और हम लोगों को बांटते हैं। ये अंतर यात्रा का लाभ है। मैं सारे इसमें लाभ बता रहा हूं। तीसरी बात है श्वास प्रेक्षा। बंधुओं, बहुत छोटा शब्द लगता है श्वास, इसकी क्या प्रेक्षा करना, श्वास को क्या देखना। परंतु भाइयों और बहनों, मुझे बताओ कि राम नाम सत होने तक हमारे साथ क्या चलता है? हमारा परम मित्र श्वास, कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, वो हमारा परम मित्र है। पति पत्नी, भाई, धन दौलत, कोई भी हमारा संबंध छोड़ सकता है, हमसे अलग हो सकता है, श्वास हमारा संबंध
लास्ट तक भी नहीं छोड़ता, लास्ट के अंदर छोड़ता है बंधुओं, इसका इतना इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और हमारी मेडिकल साइंस के सैकड़ों प्रयोग आ चुके हैं, हमारा जो श्वास आता है और वो जाता है वो एक श्वास है। मेडिकल साइंस के प्रयोगों ने नापा, नॉर्मल व्यक्ति जो बिना टेंशन में होता है वह 16 सांस आना जाना मिला के 16 सांस लेता है। बंधुओं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मर्म की बात बताना चाहता हूं। 16 सांस लेता है, लेकिन जैसा कि हमने प्रयोग किया सांस परीक्षा का, तो श्वास को हम लंबा करते हैं तो वो 16 से घट जाता है। जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं श्वास परीक्षा का, धीरे धीरे वो श्वास 16 से 12 पे आ जाता है, 10 पे आ जाता है, और बहुत बड़े साधक हैं तो 8 पे भी आ जाता है। और ऐसे ऐसे जो कहना चाहिए समाधि लेने वाले, अपने खेताराम जी बाप जी थे आसोत्रा में, बताते हैं कि वो एक मिनट के अंदर 2 ही सांस लेते थे। ऐसे महापुरुष थे हमारे क्षेत्र के, सब जानते हैं। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं 8 ही सांस लेते थे, उनको इतना सदा हुआ था। तो भाइयों और बहनों, यहां सारी जितने प्रयोग है मेडिकल साइंस कहती है को जो व्यक्ति 12-10 सांस लेता एक मिनट में, वो सबसे बड़ा अपनी भाषा के अंदर वीतराग की स्थिति, यानी उसकी ओर उसका मुंह हो जाता है, उसकी ओर वो उसका प्रयाण हो जाता है, यानी उसको क्रोध अहंकार माया लोभ नहीं आता, कषाय नहीं होते। जो व्यक्ति 8 की स्थिति आती है तो उसको इस प्रेरणा की, कषाय मुक्त हो, समाई करो, कषाय कम करो, जो सब चीज जो हम कर रहे हैं इसका हमारा ध्येय क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है कषाय उपशमन। 8 का जो सांस का अगर कोई घड़ी घड़ी लेके नाप सकते हो तो करता है, तो उसको कषाय उपशमन ऑटोमेटिक होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस की खोज रिसर्च कह रही है, क्योंकि वो स्थिति बनती नहीं है। इसके ऊपर चले, कोई व्यक्ति जो है 16 के ऊपर 20, 25, 30, 50 उसको हार्ट अटैक होता है, कोमा में चला जाता है। अन्य अन्य अगर ये लगातार रहता तो बीमारियां होती है। तो भाई और बहनों, क्या इंपॉर्टेंट चीज नहीं है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है श्वास परीक्षा। ये हमारी परीक्षा ध्यान के अंदर दिया गया है, इसका इतना बड़ा लाभ है। अब मैं आगे चलता हूं कि तीसरा जो है शरीर परीक्षा। आचार्य महाप्रज्ञ जी जब ध्यान कर रहा ना, वो तो मुझे बता देना गौतम जी, वो आपकी व्यवस्था है गौतम साहब, ये लोग कोई ध्यान के लिए आए हैं तो मुझे बता देना किस वक्त करना है क्या है, तो अपन इनको एडजस्ट कर देंगे 10-15 मिनट, क्यों इन लोगों को कहा हुआ है, आपने भी कहा मैंने भी कहा, ठीक है, हैं सारे आगे, हाँ जो भी है एक और दो और। क्या करना, अभी करना है, बीच में एडजस्ट करें आप, पहले बोल दो आप गौतम जी, पहले आप थोड़ी भूमिका बता दो, क्या है, कौन आए, इनका स्वागत जो भी है। कल के लिए आप बुलाओ ना, 10-15 मिनट ही तो कराना है। आज आए हुए नभी करा देते हैं, अभी भी करा सकते हैं, नहीं अभी तो कराएंगे ही, अपन सभी करेंगे, साथ ही करेंगे, अकेले थोड़ी करेंगे, कल भी करा सकते हैं, कल यही टाइम, हाँ नोबल, आपको जो भी बोलना नहीं फिर मैं इनको करा। कल शाम को रात को 9 से 10 बजे तक ध्यान का विशेष प्रोग्राम रहेगा, बहुत ही उपयोगी कार्य है, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को बता दे रहे इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहे। पूरा ध्यान का नहीं होगा, मतलब जो भी हमारा कार्यक्रम 10-15 मिनट कराएंगे अपन, 10-15 मिनट के लिए इतना ही हो पाए जो पूरा कार्यक्रम है, और नए नए ध्यान के प्रयोग बताएंगे आप, तो पहले अभी ध्यान कर लें बीच में, ये तो विषय वही है। आप सभी
सुखासन में या उस आसन में विराज जाएं जिसमें आराम से 15 मिनट बैठ सकते हैं, एक दूसरे का स्पर्श नहीं करें, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान मुद्रा, आराम से बैठ जाए। अभी हम ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम कायोत्तर करेंगे, अपने चित्त को, मैं बोलूंगा जैसे जैसे बोलूं, अपने चित्त को, मन को, ध्यान को उस स्थान पर ले जाना है, यही करना है बस आपको, और वहां क्या हो रहा है वहां के स्पंदनों को देखना है। अपने चित्त को, दाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, उसी तरीके से बायां पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, कमर का भार। सुझाव दीजिए शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो गया। शरीर का मध्य भाग, पेट, छाती, दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की अंगुलियां, कमर, रीढ़ की हड्डी, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए। सुझाव दीजिए शिथिल हो रहा, शिथिल हो गया। शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन, जैसे जैसे बोलता हूं वहां चित्त को ले जाइए, खोपड़ी, ललाट, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह, जीभ, तालू, थोड़ी, कंठ। सुझाव दीजिए शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो जाए। अब चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, अनुभव कीजिए पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई बार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, पूरा शरीर आनंदमय हो गया। पूरे शरीर में चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही, मैं आनंद की वर्षा में ये स्नान कर रहा हूं, मेरी आत्मा आनंद के सागर में डूब गया। पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांत हल्का हो, हल्का हो। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से एक फुट ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का शरीर। अनुभव कीजिए शरीर का भार मिट रहा है, शरीर की अनुभूति मिट रही, मुझे अनुभव हो रहा है शरीर अलग, आत्मा अलग,
भेद विज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा, शरीर अलग हो गया है, आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग आत्मा अलग, इतना हल्का हो गया है कि अपने स्थान से ऊपर उठने लग गया, थोड़ा सा श्वास को देख ले, अपने चित्त को दोनों नथुनों के बीच में केंद्रित करें, प्रयत्न करें, श्वास लंबा आ रहा, लंबा जा रहा, आते जाते श्वास को देखिए, लंबा श्वास, श्वास आए तब पेट फूले, श्वास निकले तब पेट सिकुड़े, पेट का सिकुड़न, पेट का फूलना सांस के साथ आते जाते के साथ भी अनुभव करें। गहरा सांस, लंबा सांस, समतल श्वास, सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम थोड़ा भीतर चलते हैं, प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं। दोनों प्रकुटियां के बीच में जहां टीकी लगाते हैं दर्शन केंद्र, वहां पर लाल रंग देखिए, लाल रंग के परमाणु एकत्रित हो गए हैं, भीतर जाने का रास्ता खुल गया। प्रकृतियों के बीच से भीतर जाइए, आत्मदर्शन के लिए जाइए, प्रभु के दर्शन के लिए जाइए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जाइए, अपने स्वरूप को जानने के लिए जाइए, आत्म अनुभूति करने के लिए जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। देखिए प्रभु तक पहुंचने में कितने गेट लगे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गेट पार करते जाइए, आगे जाइए। इसको हम देख रहे हैं, प्रभु हमें दर्शन दे रहे हैं, मेरी आत्मा, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान दर्शन दे रहे हैं। आलंबन अपना अपना है, तेजो पद्म शुक्ल रेशा की तीन पट्टियां बनाई जा सकती है, चमकता हुआ लाल रंग, चमकता हुआ पीला रंग, चमकता हुआ सफेद रंग, तेजो पद्म शुक्ल रेशा प्रभु के गुण है, प्रभु अशरीरी है, किसी का ध्यान टिकाना हो जिन बिंब का भी ध्यान रख सकते दे सकते हैं। आलंबन अपना अपना है, भीतर गए प्रभु के दर्शन हुए। ये शरीर एक मंदिर है, भीतर मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु विराजमान है, मैं प्रभु के दर्शन कर रहा हूं, प्रभु के चरणों में बैठा हूं, प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु मुझे राग द्वेष मुक्त करो, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे आपको मोक्ष भेजना है, प्रभु आप मैं हूं, मैं आप हूं, प्रभु आपको कर्मों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहता हूं, आप मुझे शक्ति दें, प्रभु मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं राग द्वेष मुक्त होकर देख रहा हूं, सोहन राज मेरा नाम नहीं है, ये नाम शरीर का है, मैं सोहन राज नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं संभाव में हूं, अब आपको आपके प्रभु के चरणों में छोड़ रहा हूं, आप प्रभु से मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, आप प्रभु से अनुनय कीजिए, विनय कीजिए, प्रभु से शक्ति लीजिए, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए कि आपका जीवन प्रभुमय हो जावे, कषाय मुक्त हो जाए, संभाव में आ जावे, अकर्ता भाव में आ जाए,
ज्ञाता दृष्टा भाव में आवे, आप आत्मनिरीक्षण करने जाए। मैं 5 मिनट के लिए आपको अकेला छोड़ रहा हूं, मैं भी मेरे प्रभु के दर्शन कर रहा हूं, प्रभु को रिझा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अनुनय विनय कर रहा हूं, आप स्वयं की। धीरे धीरे आप अपने मूल स्वरूप में आइए। श्वास थोड़ा भारी हो रहा है, शरीर थोड़ा भारी हो रहा है। अरंते शरणम भवजान सिद्धे शरणम भवजामि साहु शरणम भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। प्रभु के दर्शन किए, प्रभु को रिझाया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से आशीर्वाद लिया, प्रभु ने वो आशीर्वाद हमें हमारी हथेलियों पर भेजा है, उस हथेलियों को मशल करके प्रभु के आशीर्वाद को आप अपने मस्तक पर स्थापित कीजिए। ये संक्षिप्त में था। अब अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी स्थिरता, इस तरीके से हम इसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना कर सकते हैं। मतलब ये भीतर जाना है, प्रभु भीतर है, बाहर तो व्यवहार है, तो ये उसका प्रयोग है। तो अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। ये ध्यान का क्रम बीच में आ गया। हमारा मूल विषय था प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान और अणुव्रत। हमें 9:45 तक चलाना है, तो प्रेक्षा ध्यान के कुछ घटक और जो हमारे बाकी रह गए हैं वो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। हमारी जो आत्मा है वो 9 स्थान के ऊपर सक्रिय होती है, जिसका हमने अलग अलग ध्यान किया, ये हमारा ज्ञान केंद्र है। यहाँ पर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे ज्ञान का विकास होता है, ये हमारा शक्ति केंद्र है। यहाँ पर आत्मा का हम ध्यान करते हैं तो ये यहाँ आत्मा का जो चैतन्य केंद्र आत्मा की शक्ति है, आत्मा की किरण है, वो यहाँ केंद्रित होकर के हमें शांति प्रदान देती है। और यहाँ पर ये ज्योति केंद्र है, हमारे कषाय उपशमन होता है। ये दर्शन केंद्र में हम भीतर गए थे, ये भीतर जाने का द्वार है। ये तीसरा नेत्र है जो हमें भीतर ले जाता है, थर्ड आई की बहुत चर्चा है, ये भीतर ले जाता है, प्रभु दर्शन कराता है। और उसके बाद में ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, जहां पर हमारी तृष्णाएं लालसाएं भोग विलास का शुद्धिकरण होता है। ये हमारा जो है वो आनंद केंद्र है, इसमें अलग अलग कलर के साथ भी ध्यान किया जाता है। सूटी का जो स्थान है वो हमारा तेजस केंद्र है, जहां पर प्राण का उत्पादन होता है, पूरे शरीर को प्राण देता है। जो हमारी इंद्रिय का स्थान है वो स्वास्थ्य का स्थान है, वहां हम ध्यान करते हैं ब्लू कलर के साथ में, तो हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और जो अभी मैंने अंतर यात्रा की बात की वो हमारा शक्ति केंद्र है, वहां से शक्ति का उत्थान होता है या नीचे जाती क्षय होती है। ये चैतन्य केंद्र और इसके साथ साथ में जो रंगों का ध्यान करते हैं, चमकते हुए ब्राइट कलर का ध्यान करते हैं, वो लेशिया ध्यान होता है। उससे हमारे स्वभाव का परिवर्तन होता है, भाव का परिवर्तन होता है। भाइयों, ये प्योर मैथमेटिक्स है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान करते ही जो तुरंत
उधार नहीं है, इधर प्रेक्षा ध्यान किया आपने और इधर उसका रिजल्ट प्राप्त किया। और भाइयों, हमारे कम्युनिकेशन के दो साधन होता है, एक वाया मीडिया और एक होता है सीधा। मेरा उदाहरण कीजिए, रमेश जी से सीधा संपर्क है या गौतम जी से सीधा संपर्क है तो मैं सीधी बात करूंगा, संपर्क नहीं है तो मैं पटवारी जी को लूंगा और पवन जी को लूंगा या जो है इनको पुष्पराज जी को लूंगा कि मुझे इन दोनों से सेठ लोगों से बात कराई। वो वाया मीडिया है, वो कैसे बात करता है, क्या समझाता है, हमको पता नहीं। तो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, आप सीधा अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं, अपने प्रभु से बात करना चाहते हैं तो वो उसका माध्यम होता है ध्यान। और इन सब चीजों का काम है हमारा जो कर्म शरीर है, हम जितनी तपस्याएं करते हैं, सैकड़ों तरह की तपस्या करते हैं, तो हमारा मूल जो लक्ष्य ध्येय हमारा एम है उस कर्म शरीर को तपाना है, उसको खपाना है, उसको क्षय करना है। उसको कर्म शरीर कहिए, कषाय कहिए और कुछ भी कहिए, वो उसको तपाना है, उसका क्षय करना है। तो इसके 8 चरण हैं। अब जीवन विज्ञान की बात करते हैं। प्रेक्षा ध्यान का हमारे पास में नर्सरी से लगाकर 10th 12th बीए एमए डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट तक का पूरा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स है। मैं बार बार भारत सरकार की मान्यता क्यों कर रहा हूं? बंधुओं, हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी नहीं हो तो हमको डिग्री वो मान्य नहीं होती है। हमारी यूनिवर्सिटी भारत सरकार के द्वारा मान्य है। इसकी डिग्री और इसका ये कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे विश्व में मान्य है। वह ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करने के बाद में अगर वो अभ्यास करे तो वो परीक्षा ध्यान का, जैसे डॉक्टर के पास एमबीबीएस होता है, अगर बीए परीक्षा ध्यान में किया हुआ है वो अपना परीक्षा ध्यान का सेंटर खोल सकता है, परीक्षा ध्यान करा सकता है। विदेश के कई कंट्रीज में हमारे यहां से सीखे हुए लोग आज परीक्षा मेडिटेशन करवा रहे हैं, भारत में करवा रहे हैं। क्यों? कि ये भारत सरकार ने इसको मान्यता दी, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ये परीक्षा ध्यान आज हमारे तक सीमित नहीं है, हमारा नहीं है, सबका हो गया है। ये पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है साधना पद्धति से, जीवन विज्ञान। अब बात चली कि हमारी शिक्षा की प्रणाली में कैसे सुधार हो। एक वकील सुसाइड क्यों करता है? एक सीए एमबीए प्रोफेसर पढ़े हुए लोग क्यों गाली गलौज करते हैं, क्यों लड़ते हैं? वो तो वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड व्यक्ति को तो बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराइयों का शमन के बाद ही तो वेल एजुकेटेड होता है वो, लेकिन फिर भी वो करता है। महाप्रज्ञा जी ने चिंतन किया, आचार्य तुलसी ने चिंतन किया, आगमों से निकाला। इसका कारण यह है कि उसको तोता रटंत करके डिग्रियां तो दिला दी, लेकिन उसके भाव परिवर्तन नहीं हुए। भावों से हम मोक्ष जाते हैं, भावों से व्यक्ति सातवीं नारकी में जाता है। यह सब भावों का खेल है। भाव को आप भी जानते हो, आपके कपड़े के भाव बढ़ते हैं आपके प्रॉफिट होता है, आपके कपड़े के भाव गिरते हैं, आप सब वणिक वर्ग के लोग हैं, बिजनेस के भाव को सब जानते हैं, खाली दिशा बदलनी है। बिजनेस के भाव को भीतर ले जाइए, भीतर हमारे भाव का परिवर्तन होता है। हमको करेक्शन जैसे हम यहां बात देते हैं, पढ़ता करते हैं, माल इस रेट का ले लिया, इस रेट का ले लिया, शेयर वाले बढ़ता करते हैं, करेक्शन पे आते हैं, ये इसमें ले लो, उसमें ले लो, उसमें ले लो, ये इस चीज को इसमें ले लो, आप सब जानते हो, मुझे बताने की नहीं है। वो भीतर करना है, वो कि वो चीज भीतर चल रही है भावों में, वो दीजिए बंधुओं। प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान भीतर जाने की प्रक्रिया है। बिजनेस बाहर ले जाता है,
व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, सारे खगोल भूगोल पूरे विश्व के नक्शे को जानता है, और आज वो जीपीएस आ गया आजकल, जब तो कार में हम टर्न लेते हैं तो बता देते नाउ यू आर हियर टेप बोलना चालू हो जाता है। मतलब इतना विज्ञान का विकास हो गया बंधुओं, पर उस विज्ञान के विकास ने हमारे भीतर के जगत को शून्य कर दिया, क्योंकि हम जाते ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, क्यों जाए। लेकिन अगर रियल आनंद लूटना है तो भीतर जाना चाहिए। जो आनंद आज विज्ञान दे रहा है या हम ले रहे हैं वो तो 0.1% है, भीतर आनंद का खजाना 100% भरा पड़ा है। क्यों? हमारी शुद्ध आत्मा, अभी बोला ना मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत नो कैलकुलेशन, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत बल। भाई और बहनों, दुनिया में आत्मा से बढ़के कोई शक्तिशाली बड़ी चीज नहीं है, चाहे अणु हो चाहे बम हो। दुर्वासा मुनि हुए हैं, दुर्वासा मुनि अगर किसी को श्राप दे देते पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते थे। जब कभी भी उनका मूड बदलता तो संत लोग जनता उनको कहती प्रभु आप रुक जाओ, क्योंकि आपने श्राप दे दिया तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। बंधुओं, आज के अणु परमाणु बम तो एक शहर को खत्म करते हैं, एक देश को खत्म करते हैं, आत्मा की शक्ति उसका दुरुपयोग दुर्वासा मुनि ने किया नहीं, लोगों ने रोका। कई बार उनको गुस्सा आता था, इतनी उनके पास तेजोलेश्या थी। तो बंधुओं, इतनी शक्ति बाहर शक्ति नहीं है, भीतर का संसार, उसके भीतर जाने के लिए, भीतर के संसार में जाने के लिए हमारे परम प्रभु महावीर और 24 तीर्थंकर भीतर रहते थे, भीतर जाते थे। वो प्रक्रिया आनंद लेना है तो भीतर जाइए। इसीलिए जीवन विज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ा गया। आज हमारे पास प्ले ग्रुप से लगाकर डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट तक जीवन विज्ञान का कोर्स उपलब्ध है, और प्ले ग्रुप से डॉक्टरेट तक करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालयों पे सरकारों ने इसको अच्छा दे करके मॉरल साइंस के रूप में, जीवन कौशल के रूप में, जीवन विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्यों भी मान्यता? अच्छा इंसान बनाने के लिए। आदमी धनवान बन सकता है, आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है, पर एक इंसान अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। एक गुड मैन अगर व्यक्ति बनता है तो समाज की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि गुड मैन में वो मान्यता होती है, वो गुण होते हैं जो सबको प्रिय होते हैं। तो हमारा परीक्षा ध्यान जीवन विज्ञान गुड मैन बनाता है, हमारे भावों की शुद्धि करते हैं। इस जीवन विज्ञान के आने के बाद में शिक्षा का जो अधूरापन था, टोटा रतन पहली बात थी, उसको रोका गया। ये जीवन विज्ञान है। हमें हमारे उपासक जी को भी उनका मधुर कंठ से इनका गीत सुनना है, तो मैं तीसरा पार्ट अणुव्रत की बात सिर्फ 5-7 मिनट में ही करूंगा। ये दो विषय हो गए बंधुओं। अणुव्रत, अणुव्रत भगवान महावीर का है। भगवान महावीर ने देखा कि मुझे लोक कल्याण करना है, तब उन्होंने देखा कि साधारण व्यक्ति का मैं कल्याण कैसे करूं, तो भगवान ने कहा जिसकी ताकत है, जो मजबूत है और ज्ञान का विकास कर सकता है, वो लोग महाव्रती बने, वो साधुपन स्वीकार करे। जो हमारे साथ धार्मिक भाई लोग पधारे हैं, सबका स्वागत है, हम सबका अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, हमारे कार्यक्रमों में आप रेगुलर आ रहे हैं। तो भाइयों, अणुव्रत भगवान महावीर का दिया हुआ, ऐसे छोटे छोटे नियम जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं,
अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा बना सकते हैं, अपने देश को, राष्ट्र को और संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण विश्व को अच्छा बना सकते हैं। उसमें नियम, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये तो है ही, पर इसके साथ साथ में आचार्य तुलसी ने क्या किया? आचार्य तुलसी ने देखा कि आजादी मिल गई हमें। 1949 की बात है, ये आजादी कायम कैसे रहेगी? जब तक कि हमारा देश नैतिक नहीं बनेगा, हमारी आजादी बरकरार नहीं रह सकती। तो उन्होंने अनुव्रत को, भगवान महावीर के अनुव्रत को नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, उसके 11 नियम बनाए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण शामिल है, व्यवहार शुद्धि शामिल है, जिसके अंदर और धार्मिक सहिष्णुता, मैं सभी धर्मों का आदर करूंगा। अनुव्रत के लिए जो अनुव्रत आचार्य तुलसी ने दिया, उसके लिए आचार्य तुलसी या वर्तमान आचार्य को आचार्य या गुरु मानना आवश्यक नहीं है। वर्ण, जाति, लिंग, भाषा, कोई भी व्यक्ति इस अनुव्रत का सदस्य बन सकता है। और आज की तारीख में 49 से लगा के 67 ईयर्स हो गए, अनुव्रत के 36 कौम के करोड़ों सदस्य आज हिंदुस्तान में मौजूद है। राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं अनुव्रती थे। वहां से लगा के आज तक इसकी गूंज, और पिछले वर्ष आचार्य तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष था, एक पूरे वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में अनुव्रत का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि अनुव्रत सामाजिक चेतना की बात करता है, अनुव्रत मानव कल्याण की बात करता है। अनुव्रत क्या कहता है? वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजियन, वन ह्यूमिनिटी। व्हाट इज दैट रिलीजियन? मानव धर्म। अनुव्रत मानव धर्म की बात करता है कि इंसान एक अच्छा इंसान बने, इसीलिए आज इतना फैल गया और उसकी 500 शाखा है। अनवरत रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर नशा मुक्ति, पूरा एक प्रोग्राम मनाया जाता है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह डेढ़ फिक्स है, 26 सितंबर से लगा करके 1 अगस्त तक, पूरा 7 दिन का पैकेज है। और 7 दिन के अलग अलग विषयों पर जहां जहां ये मनाया जाता है, वहां के विद्वत लोगों, गुरुओं, उनको बुला करके उनके प्रवचन, ऑडियो वीडियो, जैसा हमारे युग परिषद वालों ने कॉलेज में जाकर के नशा मुक्ति का कार्यक्रम किया, वह भी इसमें शामिल है, फॉर्म भराए। इसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों को नशा मुक्ति कराई। तो भाइयों बताइए, हमारा जैन धर्म जन धर्म है कि नहीं? जैन धर्म केवल हमारी बात नहीं करता, पूरी सृष्टि के कल्याण की बात करता है। ये हमारे सब तीर्थंकरों ने की, 24 तीर्थंकर हमारे पूरे सृष्टि के कल्याण की बात करते थे। तभी उन्होंने, देखिए आज से 2600 साल 2500 साल पहले भगवान ने पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रिष्का, षट जीव निकाय, केवल ज्ञान से देखा, लोगों को बताया, विज्ञान मान रहा है, वही पर्यावरण है बंधुओं। षट जीव निकाय और पर्यावरण इको फ्रेंडली में कोई अंतर नहीं है, वही चीज है। तो भाइयों मैं ज्यादा लंबाना नहीं चाहता हूं, अब हमारे अनुज श्री कांतिलाल जी कावड़िया इन सब चीजों पे मिला जुला एक जो है सुमधुर गीत आपके सामने कॉन्क्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
अभिनंदन आदरणीय वरिष्ठ उपासक साहब उपस्थित भाइयों एवं बहनों वीर में जो तू आत्मा में उतारो नहीं मात मंदिर में जाए रोके फायदो वीर ने जो तू आत्मा में उतारो नहीं मात मंदिर में जाए रोके फायदो त्याग संयम तुझी मन में उजारो नहीं मात जैनी कहाने रोके फायदो क्रोध ईर्ष्या दो चक्कर चले रात दिन मीठो बनो तू जीवन में भी क्यों नहीं खुदरी अक्कर ना चोरी ना संयत बनो शांत सहवास में क्यों तू भी क्यों नहीं खुद रे जीवन में बदलाव आयो नहीं खुद रे जीवन में बदलाव आयो नहीं झूठा वाचन सुनाने रोके पाए दो वीर ने जो तू आत्मा में उतारो नहीं मात मंदिर में जाने रोके पाए दो लाल सावा सतावे अगर रात दिन अपनी इच्छा पर थारो नियंत्रण नहीं पाई तू जाने ठगने में तू दक्षता स्वच्छ खुद थारी आत्मा रो दर्पण नहीं मन में समतारे भावा क्यों संवारो नहीं मन में समतारे भावा क्यों संवारो नहीं मंत्र बस गुण गुण गुणाने रोके पाए दो वीर ने जो तू आत्मा में उतारो नहीं मात मंदिर में जाने रोके पाए दो माला फेरे हमेशा तू महावीर मनरी चंचल का थारी जरा ना घटी प्रजुसन तू मनावे बड़े जोश क्यों ना कसायारी क्षमता जरा भी हटी ज्ञान दर्शन चरण ना उजागर हुआ ज्ञान दर्शन चरण ना उजागर हुआ पर्व ने फिर मनाने रोके पाए दो वीर ने जो तू आत्मा में उतारो नहीं मात मंदिर में जाने रोके पाए दो त्याग संयम सुजीवन में उजाजो नहीं मात जैनी कहारे रोके फायदो वीर ने जो तू आत्मा में उतारो सुबह का तो वो है ना सुबह का तो ध्यान ही साढ़े दस है क्या अपना तो ही है रात को अपना विषय वो है ना तेरा पन के हाँ वो तो विषय है ही है उसके साथ अपना भी ध्यान कोई अगर चाहो तो आप दे करा दें हाँ पंद्रह मिनट तो 15 मिनट का बंद एडजस्ट कर दे हाँ उसे तो अगर विषय के साथ बीच में हाँ हाँ बिल्कुल
कल 4 दिन से सुबह का कार्यक्रम सवा 9 से 10:30 बजे तक रेगुलर प्रवर्तन करेगा। 10:30 से 11 बजे ध्यान उसके उपासन किया है। ध्यान के अलग 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 विषय में हम ध्यान करेंगे। और जो रात का कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण है, ध्यान दें 13 बजे संस्थागत विषय वो भी राग प्रश्नोत्तरी भी है ना। नहीं कोई बात और 8:30 बजे वार्ता करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 13 बजे संस्था करते हैं। उसके बाद यदि आज जीएस के आए तो रात में भी आते हैं तो उपासना जी बताया कि 15 दिन को रात को दान करा दीजिए, ध्यान करा दीजिए। जब सब सुबह में 11:30 बजे ध्यान नहीं वो ध्यान कौन नहीं रात को करवाना कि 9:45 से रखो जो भी ध्यान मिलेगा रात को 9:45 बजे बाद सुबह 10:30 से 11 बजे ठीक है। और फिर श्रोक पर्वती महापर्व है सभी इस परिश्रम पर आरंभ है। आज दोपहर में ज्ञान पल्ला के बच्चों का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी तब अभी हमने उसके साथ बच्चों का सभा की ओर से संवाद किया जा रहा है। इस संदर्भ में ज्ञान सुनते बाबूलाल जी सुमत कुमार जी वाले की ओर से ज्ञान सभा को भेज उनका अवलोकन से दिवाले भेज मंगल पाल कुछ जी एस के सभा जा रहा है। सभा की ओर से आज रवि नंदन आज स्वागत किसी तरह और पर जिसके साथ की आसार है आज प्रति मदन का नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो हरियानंग नमो उज्जानंग नमो लोहन सब्द सावनंग ऐसो पंच नमकारो सब पाप अनासनो मंगलानंग सभ्य सिंह परमंग वही मंगलंग चत्तारी मंगलंग अलंका मंगलंग सिद्धा मंगलंग साहु मंगलंग केवली पनतो धमो मंगलंग चत्तारी लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धमो लोगोत्तमो चत्तारी शरणम पहुंचामी अरंते शरणम पहुंचामी सिद्धे शरणम पहुंचामी साहु शरणम पहुंचामी केवली पनतंग धम्मंग शरणं पहुंचामि धम्मो मंगल मुक्कीटं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंशन्ति जस्स धम्मे स्यामणो चैताभार अम्बासं चक्रवर्ती महिदियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरं देवदानव गंधर्वा जक्करक्कस किन्नरा बंबयारी नमंशन्ति दुःखरं जे करन्ति तं मंगलं भगवान् मंगलं गौरमो मंगलं सूलभद्राय जैनधर्मो मंगलं मंगलं मतिमान वेक्षु मंगलं बालमंदक मंगलं रायचंद्राय मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्योतु मंगलं महाशमनोतु मंगलं तेरापंतोतु मंगलं समाज आज भी घोषणा की थी और कल शुरुआत।
کمال لوگ خمت کامنا اور ساتھے اور سب کام کمال بڑھیا لگا بڑھیا لگا کمال میرا ساری طور پہ تو بولی بتا آپ بول ہاں برابر تھینک یو جی آپ کھانا تو آپ تھوڑا موٹا موٹا کھانا دو ارے بند کرو ہم ریکارڈنگ نہیں بولیں بنکر بھائی ریکارڈنگ